पैसा दो ना तो भागो, मेरे को पैसा था नहीं तो मैं क्या करूँ, भागना पड़ा। यात्रा सर कहीं कहीं गाड़ी से मिल के, गाड़ी से आए, कहीं कहीं सर पैदल भी चल के आए, ऐसे सर आना पड़ा हम लोगों को। हम लोग कहीं बस कहीं ट्रक पर मिला साधन तो आए, कहीं पैदल चल के आए। सर बनारस से तो सर यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि उतना दूर से तो चल के पैदल ही आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं सर। यहाँ की पुलिस भी सहायता नहीं करे सर, हम लोग वहाँ उतने दूर से आए, पुलिस वाले गाड़ी भी रुकवा रुकवा के बैठा बैठा रहे देते थे। यहाँ के सर प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे थे और डंडा मार रहे हैं। देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज और हम हैं इस समय वाराणसी के हुकुलगंज में। और आपको बता दें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये दूर दराज से आए हुए हैं और ये पैदल चलते चलते अब ये थक चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये लोग कहां से चले हैं और कहां, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमेर कुमार भारती। कहां से आए हैं? जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले से। और कहां जाएंगे? बलिया। बलिया। जोधपुर से आए हैं, कैसे आए हैं, कितनी कठिनाई का सामना किया आपने? उधर से सर गाड़ी मिला। अच्छा अच्छा। राजस्थान वाले जाकर छोड़ा इधर, इसी में भी इटावा से आ गया तो साधन मिला, इसके बाद पैदल साधन पैदल आ रहे हैं। रास्ते में कोई प्रशासन या आम नागरिक आपसे मिले जो आपकी हेल्प कर? आम नागरिक मिले, खाना पानी दे रहे थे। दे रहे थे तो आप क्यों छोड़ कर वहाँ से चले आए? ऐसा रोड पर दे रहे थे, हम आ रहे थे। आप वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ पर मशीनें चला रहे थे। तो क्यों छोड़ कर चले आए आप? ओ रूम वाला भगा दिया कि भाई पैसा दो ना तो भागो, मेरे को भाई पैसा था नहीं तो मैं क्या करूँ, भागना पड़ा, चले आए। इस तरीके के कई लोग हैं, आइए हम बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या थी या क्यों ये चले आए। काफी लोग एक साथ थे लेकिन इस समय अब ये अशोक जी कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो झांसी से आ रहे हैं सर। आप झांसी से आ रहे हैं तो झांसी में आप क्या करते थे? सर झांसी में वो सर मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे तो क्यों आप चले आए? सर वहाँ पे सर हम लोग का जो कंट्रैक्ट वाला था सर छोड़ के भाग गया हम लोग तो सर, हम लोग को मजबूरी हो गया घर पे जाना, नहीं जाते तो रूम वाला भी भगा रहा था, खाना भी नहीं खा पाएंगे उस समय से हम लोग सर। तो फिर आप कैसे यहाँ से बनारस से आप कैसे जाएंगे? सर बनारस से तो सर यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि उतना दूर से तो चल के पैदल ही आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं सर। यहाँ की पुलिस भी सहायता नहीं करे सर, हम लोग वहाँ उतने दूर से आए, पुलिस वाले गाड़ी भी रुकवा रुकवा के बैठा बैठा रहे देते थे। यहाँ के तो सर प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे थे और डंडा मार रहे यहाँ की, क्या करे सर? यूपी पुलिस जो आपके साथ क्या कर रही है? यूपी पुलिस सर हम लोग का उधर के थे तो सब सही थे सर, वहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो देख हम लोग को मजबूरी देखती थी तो गाड़ी भी रुकवा देते थे और बैठाते थे और खाना भी खिला देते थे। रास्ते में कोई समाज सेवी मिला जो आपको हाल चाल पूछे, आपकी समस्या पूछे या क्यों जा रहे हैं, खाना पीना? हाँ सर रास्ते में तो पूछ रहे थे क्यों जा रहे थे, हम लोग सर अपना मजबूरी बताया कि इसी कारण से हम लोग जा रहे हैं। थी कि हम वहाँ पे काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर में ठेकेदार के अंदर काम करते थे, ठेकेदार छोड़कर भाग गया कि अपने घर को ले चले आए, ऐसे मार पड़ेगा। कमलेश जी आप कहाँ से इस समय चले हैं? जोधपुर से चले हैं। जोधपुर से आप कैसे आ रहे हैं? उधर की सरकार ने हमको अपने बॉर्डर तक इसी तक छोड़ा अपने साधन से, उसके बाद से इधर आगरा से वहाँ के प्रशासन ने छोड़ी कहींगावा तक, कहींगावा के बाद से पैदल की यात्रा करना पड़ रहा है। कहीं जो है कि प्रशासन उधर यूपी का ईस्ट वाले है तो वो लोग हम लोग का हेल्प करते थे, गाड़ी वगैरह रुकवा करके बैठा देते थे, वो लोग जहाँ तक आते थे वो छोड़ देते थे, फिर वहाँ से पैदल सफ़र करना पड़ता था। तो आप पैदल चले इतनी समस्या इतनी कठिनाई के साथ और इतने दूर आ चुके हैं, अब यहाँ से कैसे जाएंगे? अब वैसे ही पैदल ही जाना है। पैदल ही जाना है जी। किसी से आपने घर पे कांटेक्ट किया जो आपका हेल्प कर सके या बाइक से चाहे किसी सुविधा से आ सके? नहीं आ पाएंगे। जब दूर से आ रहे हैं और लगातार ये भी ये हार नहीं माने हैं, ये अपने घर जाएंगे, पैदल जाएंगे, किसी से हेल्प मांग कर जाएंगे, लेकिन ये घर जाएंगे क्योंकि इनको इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो काम करते थे अब काम नहीं रहा है, अब सीधे इनको घर दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।